रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी के कहने पर राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और लंका नरेश रावण को परास्त कर वापस अपने राज्य अयोध्या लौट आए थे। लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शांता राम और उनके चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। श्री राम और शांता दोनों कौशल्या की संतान थी। एक बार अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षणी अयोध्या आए। वे निपुत्र थे। बातचीत के अंतर्गत राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको पुत्र के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका लालन पालन किया और वे माता पिता के सभी दायित्व निभाए। एक बार राजा रोमपद अपनी पुत्री के साथ बात कर रहे थे, उसी वक्त राजमहल में एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आया कि वर्षा के दिनों में खेतों की बुआई में राजदरबार की ओर से सहायता प्रदान करें। राजा अपनी पुत्री के साथ बातचीत कर रहे थे, राजा को यह सुनाई नहीं दिया। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को खेद हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण भगवान इंद्र के परम भक्त थे। अपने भक्त का ऐसा अपमान देखकर इंद्रदेव राजा रोमपद पर आवेशित हुए और उन्होंने राजा रोमपद के राज्य में वर्षा नहीं की। इस प्रकार अकाल की स्थिति उत्पन्न होने लगी। इस संकट की घड़ी को देखते हुए राजा रोमपद ऋषि श्रृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि देवराज इंद्र को प्रसन्न करना होगा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करवाना होगा। ऋषि ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया और देवराज प्रसन्न हो गए। खेत खलियान पानी से भर गए। इसके उपरांत राजा खुश होकर ऋषि श्रृंग ऋषि का विवाह शांता से करवा दिया और वे सुख पूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषि श्रृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कमोष्टी यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है, उनके तथा उनकी पत्नी की समाधि है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को और जानने को मिला होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटे वाला बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।